शिमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। इतनी मौत आई है जेलर, जो तुम अजगर को जगाने चले आए, तुम्हारे कदमों की आहट किसी न किसी के मौत का पैगाम लाती है। आप लोग पीछे हटिए प्लीज प्लीज। जो भी स्टेज की तरफ बढ़ने की कोशिश करेगा उसे फौरन गिरफ्तार कर लो। यस सर। दोस्तों, आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को बुलाने का मेरा एक ही मकसद है, आप लोगों के कलम के जरिए मैं देशवासियों तक यह पैगाम पहुंचाना चाहता हूं कि 5 साल के लिए जिन लोगों को जनता ने चुनकर कुर्सी पर बिठाया, उनमें से कुछ लोग अपने फायदे के खातिर इस देश को किस तरह खोखला कर रहे हैं, इस देश को बेच रहे हैं। अरे, कुर्सी के लिए अपनी बहन बेटियां बेच देते हैं तो उनके लिए देश क्या चीज है? अब तो आप अपनी पोस्ट पर नहीं हैं, फिर आप क्या करेंगे? अब मैं वो करूंगा जो पोस्ट पर रहकर नहीं कर सका। मेरे हाथ कुछ ऐसे सबूत लगे हैं जो देश से दुष्ट और पापियों का नाश कर देंगे। वो सबूत एक नए हिंदुस्तान को जन्म देंगे। वो सबूत हिंदुस्तान को नया जन्म नहीं, लेकिन सत्य प्रकाश को मौत जरूर दे देंगे। वो चाहे फोन पर मुझे कितनी ही धमकियां दे, मेरा और मेरे परिवार का खून कर दें, लेकिन मैं अपनी आखिरी सांस तक सच्चाई का खून नहीं होने दूंगा। मैं अगर मर भी गया तो मैं चेतावनी देता हूं उन इंसानियत के दुश्मनों को कि मेरे खून का कोई भी कतरा बेकार नहीं जाएगा। एक एक कतरा हिंसा और भ्रष्टाचार के अंधेरे को मिटाकर अहिंसा और सलामती का उजाला बिखेर देगा। अरे, कोई फ्लैश ऑन करो! अजगर बाहर निकल।
असगर बाहर निकल। असगर शोर बंद करो। एसीपी कैदी सो रहे। असगर कहां है? सेंट्रल जेल के कैद कानून से शायद तुम वाकिफ नहीं हो। 6 बजे के बाद सारे कैदी सो जाते। मैंने पूछा असगर कहां है? पारो सिंह साहब को सेल नंबर 22 में ले जाओ। असगर बंद करो ये लाइट, साले चैन से सोने भी नहीं देते। एसीपी साहब गुड नाइट। व्हाट गुड नाइट? व्हाट गुड नाइट? सत्य प्रकाश का खून करते हुए सबने देखा इसे। मेरे हाथ से बचकर भागा ये, जेल तक पीछा किया है मैंने, मेरे सामने जेल के अंदर घुसा, यहां आकर सोने का नाटक कर रहा है। बाहर निकालो से, बाहर निकालो। आपके पास सबूत क्या है? माधव सिंह जरा देखो तो ये क्या है। सिंह रात काफी हो चुकी है, गुड नाइट। और हां ये बात बाहर किसी से मत कहिएगा कि कैदी जिसे फांसी की सजा हो गई है बाहर गया, किसी का खून किया और फिर फांसी पर लटकने के लिए वापस जेल में आ गया। मत कहिएगा, लोग हंसेंगे आप पे। रोओगे तुम, पछताओगे एक दिन लंकेश्वर। इस धूल में मत रहना कि तुम्हारी ये पाप की लंका हमेशा के लिए टिकी रहेगी। रावण की सोने की लंका नहीं रही तो तुम्हारी ये मिट्टी और गारे की दीवारें चीज क्या है? मर्दी का नाजायज फायदा उठाकर जुर्म की हुकूमत करने वाले अगर तुम जैसे शैतान इस देश में मौजूद है तो इसी वर्दी के लिए अपना सर कटाने वाले जांबाज भी इस देश में मौजूद है। याद रखना लंकेश्वर। अर्जुन छोड़ो छोड़ो कान। पागल हो गया क्या अर्जुन? ए ले जाओ इसको, बिठाओ गाड़ी में। मुबारक हो, हर बार की तरह इस बार भी तस्वीर अखबार में आप ही की छपेगी। नहीं खान मियां, ये काम तो हम सब ने मिलकर। अरे छोड़ यार, ऐसी झूठी तसल्ली मत दे मुझे। हमेशा की तरह इस बार भी वही हुआ, साला शुरुआत मैं करता हूँ और आखिर में बाजी तुम मार ले जाते हो। लेकिन याद रखना अर्जुन, एक दिन ऐसा काम कर जाऊंगा ना, तू सलूट करेगा मुझे। ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है इंस्पेक्टर, तू एक बात जान ले, तूने पेड़ से सिर्फ एक पत्ता तोड़ा है, एक पत्ता, उसकी जड़ें बहुत मजबूत है, तू जैसे चूहे से नहीं कतर सकते। मेरे सर पर बड़े बड़े लोगों का हाथ है,
पता लगेगा ना पतलून उतर जाएगी तेरी। पागल लून उतार दूंगा। अच्छा खासा जीप में बैठकर जा रहा था, अब एम्बुलेंस में लेट कर जाएगा। इंस्पेक्टर अर्जुन, कांग्रेचुलेशन, तुम्हारी बहादुरी और कामयाबी पे मैं बहुत खुश हूँ। कमाल का प्लान बनाते हो, कमाल की हिम्मत रखते हो तुम। थैंक यू सर, आई लाइक इट। थैंक यू। मगर अचानक ये तुम्हें क्या हो जाता है? जिस मुजरिम को तुम्हें जेल भेजना चाहिए था उसे तुमने हॉस्पिटल में भेज दिया। आई डोंट लाइक इट, आई डोंट लाइक इट। और ये पहली बार नहीं, कई बार हो चुका है। ये एक जिम्मेदार ऑफिसर को शोभा नहीं देता अर्जुन। तो क्या ये हमें शोभा देता कि एक मामूली मुजरिम आपको भले बाजार में गाली दे? क्या उसने मुझे गाली दी? हाँ सर, उसने आपको चूहा कहा सर। क्या? यस सर। हाँ खान। यस सर, ही सेड रैट रैट। सर उसने यहाँ तक कहा कि अगर आप उसके मालिक का नाम सुनेंगे तो आपकी पतलून उतर जाएगी। क्या? हाँ सर खान। हाँ सर उतर जाएगी, पुलिस वालों के लिए कहा था, उसमें हम सब आ जाते हैं। यस सर। तुमने जो कुछ भी किया है वो ठीक किया है अर्जुन। नहीं सर, मैंने जो कुछ भी किया गलत किया। उन हरामजादों को अस्पताल नहीं शमशान घाट पहुंचा देना चाहिए था। वो लोग सारे देश में ड्रग्स फैला रहे सर। मैं यकीन के साथ कह सकता हूँ कि सरकारी अहदे के कुछ लोग उनकी मदद कर रहे हैं, इसलिए उनकी हिम्मत इतनी बढ़ गई है। वो आदमी ठीक कह रहा था सर, तूने सिर्फ एक पत्ता तोड़ा है, पत्ते तोड़ने से कुछ नहीं होगा सर, उनकी जड़ों को काटना है, जड़ों को। मैं उनकी तय तक पहुंचना चाहता हूं। सर देखिए ना, ये बहुत परेशान कर रहा है, ना दवाई ले रहा है ना इंजेक्शन। सर ये आप क्या कर रहे हैं? सिस्टर ऐसे मरीज के लिए ऐसा ही डॉक्टर काम आ सकता है। आप मेरी बात सुनिए जरा। सिस्टर मेरा एक दोस्त है अब्दुल, वो एक बहुत बड़ा टीवी सीरियल बना रहा है और सीरियल का टाइटल भी बहुत अच्छा है, सिस्टर सिस्टर बचाओ। क्या हो रहा है ये? नहीं नहीं कुछ नहीं, ऐसे ही एक पेशेंट के दर्द और सिस्टर की खिदमत पर आधारित है वो सीरियल। मैं मर जाऊंगा, मैं मर जाऊंगा, मैं सब बताता हूँ। इंस्पेक्टर गायकवाड़ उसके परिवार का खून में नहीं किया है, मैं अपना गुनाह कबूल करता हूँ। और जिस ड्रग्स की सप्लाई तुम करते हो उसके मालिक का नाम क्या है? ड्रग की सप्लाई मैंने की है लेकिन मैं मालिक का नाम नहीं जानता। मैं सच कहता हूँ सर, मैं वादा करता हूँ आइंदे ये काम नहीं करूँगा। मैं जानता हूँ दोबारा ये काम तुम कभी नहीं करोगे। आप कैसे जानते हैं? क्योंकि तुम उसके लायक नहीं रहोगे। यार अर्जुन, तुम्हारी वर्दी पर फीते काम और बदनामी के धब्बे ज्यादा हैं। अब अगर इस आदमी ने कोर्ट में तुम्हारे खिलाफ गवाही दे दी तो फिर एक और धब्बे के लिए तैयार हो जाओ। वो गवाही नहीं देगा। क्यों क्यों नहीं देगा? ए, ए, सिस्टर, सिस्टर। सब ठीक है ना सिस्टर? हाँ।